अल्लाह पाक का नाम पाक अली बैत अलैहि सलाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम से अपनी मोहब्बत जाहिर करें। كل صبار شكور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد एक और बलंतर सलावत पढ़ो اللهم صل على محمد وعلى محمد قران حكيم तहदारियां बेकरा हैं। और उसके साथ भी ये रिश्ते कुरान नातिक़ो कुरान सामित का एजाज अपनी जगह है कि जहाँ से भी कुरान की तिलावत कीजिए वो ज़िक्र हुसैन से मुर्तबित हो जाता है। जहाँ से भी तिलावत कीजिए। हमारे बरादर अज़ीज़ अज़ीज़ ख़ातिर अल्लामा जनाब सैयद ग़ुलाम अब्बास साहब रिज़वी उर्फ़ हुसैन आगा साहब तशरीफ़ फरमाएँ और ये हौज़े इल्मिये क़ुम में माशाअल्लाह एक अरसे तक तहसील इल्म करते रहे और दर्जे इश्तिहाद तक पहुँचे। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अपने लोगों की कदर नहीं होती है। इधर जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अदीब हैं और हम जहत अदीब हैं और शायर हैं, मुहक्क़िक़ हैं, मुसन्निफ़ हैं और बज़्म में यकीनन बहुत से अहले सुखन, अहले फ़हम, अहले हुनर, अहले कलम मौजूद होंगे। मेरी नज़र दूर तक नहीं जा रही है। तहरीर, इंसानी तहरीर में भी बसा औकात ऐसी तहदारी पैदा हो जाती है कि जो इंसानी तहरीर के हुनर को सहर हलाल बना देती है। अब देखिए ये अल्फाज में कह रहा हूँ, सहर हलाल किसे कहते हैं, अब इसकी तशरीह करूँ तो अलग वक्त लगेगा ना, लेकिन मेरी भी क्या मजबूरियां होती हैं। सबसे बड़ा जवाल जो नस्ल इंसानी पे आया है और अफसोस है कि हमारे मुआशरे में, वो ये कि अदबी डिस्कोर्स, अदबी डायलॉग, अदबी सतह की खलाकाना गुफ्तगु से लोग अब नाबलद होते जा रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि हम जो कुछ अर्ज़ करते हैं वो नहीं समझी जाती बातें। मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। बहरहाल जो इंसानी तहरीर में, इंसान की तख्लीक़ में, शेर में, नसर में, हत्ता के गुफ्तगु में, मुकालमों में कभी ऐसी तहदारी होती है कि एक से ज़्यादा मानी वहाँ दरियाफ्त किए जा सकते हैं। चे जाए के क़ुरान मजीद और क़ुरान मजीद की खसूसियत एजाज़ के लिहाज से इसलिए भी अहम है कि आखिरी किताब है। क़याम क़यामत तक अब कोई दूसरी किताब आने वाली नहीं है। तौरात की इबारतों में वो एजाज़ नहीं है, इंजील की आयतों में वो एजाज़ बयान नहीं है, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा में वो एजाज़ बयानी नहीं है। जो एजाज़ बयानी कुरान मजीद में है और
यही सबब है कि आप देखें एक से एक बड़े से बड़े उलमा उभरते हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा लिखते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के मुआसरीन में या उनके फौरन बाद दूसरे पैदा हो जाते हैं, नए सिरे से फिर तर्जुमा लिखते हैं। भई ये क्या बात है, तर्जुमा तो हो चुका, दोबारा तर्जमे की क्या ज़रूरत है। ये एक महसूस व मशहूद कैफियत है कि अगर ज़रा सा भी इंसान अरबी ज़बान से वाकिफ़ हो तो आयत सामने हो और तर्जमा, तो ये एहसास शिद्दत से होता है कि जो बात आयत में है तर्जमे में अदा नहीं हो पाई, जो बात आयत में है वो तर्जमे में अदा नहीं हो पाई। ये जो शिद्दत से एहसास है ये फिर नए तर्जमे के लिए आमादा करता है, और जब इंसान फिर नया तर्जमा करता है तो देखता है कि फिर भी हक अदा ना हो पाया, और ये सिलसिला रहेगा ता कयाम कयामत। इंसानी तर्जमे जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। हाँ ये और बात है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने भी कुरान मजीद के कुछ तर्जमे ऐसे बनाए हैं, ऐसे किए हैं कि वो तर्जुमान हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि एक दो नहीं बल्कि कुरान मजीद के 14 तर्जमे अल्लाह ने किए हैं, जिसमें से एक आखिरी तर्जमा वो क़ुर्ब क़यामत के लिए मखसूस है, जब इंसानी अक्ल साइंसी फ़लसफियाना अदबी हर लिहाज से जब इंसानी अक्ल अपने मेराज कमाल पर पहुँच जाएगी उस वक्त वो तर्जुमा ज़ाहिर होगा ताकि इंसान समझ सके। ये जो पर्दे गैब है, इस पर्दे गैब में बहुत से असरार हैं, एक दो सबब थोड़ी है कि गैब में हैं, सिर्फ एक सबब दो सबब तीन सबब, न जाने कितने असबाब हैं। अभी ज़हन इंसानी को मुकम्मल तौर पर आमादा किया जा रहा है, चूँकि हमेशा ज़हन इंसानी और इंसानी रवैया ये रहा है कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया लोगों ने उसकी मुखालिफत की, जब भी अल्लाह की तरफ से कोई पैगंबर आया उसका इस्तेहज़ा किया गया यानी मजाक उड़ाया गया, कुरान मजीद में मौजूद है, तारीख में मौजूद है, उसे अजियतें दी गईं, और अम्बिया के बाद अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनकी सीरत ज़िंदगी भी मुलाहिज़ा फरमाएं तो आप देखेंगे कि मुआशरे ने उनको कबूल नहीं किया, इसलिए हज़रत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम अभी पर्दे गैब में हैं कि तमाम आलम बशरियत सिर्फ एक मसलक नहीं, एक फ़िरका नहीं, एक मज़हब और एक उम्मत और एक मिल्लत नहीं, बल्कि उमम आलम सब के सब तैयार हो जाएं, और जितने निज़ाम अपने जहन के तख्लीक करदा हैं उन तमाम निज़ामों को तजर्बे में लाकर उसकी नाकामियां खुद देख लें, फिर वो आएगा कि जिसके लिए दिल से हर शख्स हमत सरापा इंतज़ार होगा, हमतन इंतज़ार होगा और कबूल करने के लिए आमादा होगा। ये जो मैंने अभी एक बात कही तो जहन में एक जुमला और आ गया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जहाँ बहुत से सवालात करते हैं बरादरान उम्मत, बरादरान मिल्लत, शकूक हैं, शुबहात हैं, नादानियाँ हैं, नावाकिफियत है, जहल है, नहीं जानते हकीकतों को, और बहुत सी बातों को
बहुत से लोगों ने छुपाया है। छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत का छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। बार बार कुरान मजीद में इस जुर्म की मजम्मत की गई है और वईद की गई है कि अगर तुमने हक़ को पहचानते हुए छुपाया तो तुम्हारे लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अलीम है, यानि दर्दनाक सज़ा है। और हकीकतें, हकीकत हकीकत होती है, हकीकत हकीकत होती है, उस पर कोई किसी किस्म का पर्दा पड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं हकीकत वाशिगाफ हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमामत और विलायत और वसायत और खिलाफत और जानशीनी उन्हीं मसाइल में से है कि जिन पर कोई पर्दा नहीं पड़ सकता, इल्ला ये कि इंसान को ये शऊर हो, बेदार हो जाए इंसान और ये समझ सके कि इलाही बयान क्या है और सियासी बयान क्या है। इलाही बयान क्या है और सियासी बयान क्या है। अब मैं क्या क्या मिसालें अर्ज़ करूं, लेकिन बहरहाल एक नुक्ता जो मैंने कबूलियत के एतबार से कहा है वाज़े आश्कारा है, सिर्फ याद दहानी है। जो हजरात नए आए होंगे आज इस मजलिस में या सुन रहे होंगे दूर बैठ कर, गया दिलसोजी के साथ अर्ज़ कर रहा हूं, न तंज है न तशनीअ है, दिलसोजी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक तो वही सवाल होता है जो बार बार जवाब दे चुका हूँ, इस मरतबा भी गालिबन मुहर्रम की मजलिसों में इशारा किया कि क़ुरान में क्यों ज़िक्र नहीं है, और इसका मुकर्रर में जवाब दे चुका हूँ। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि अगर उनका हक था तो उन्होंने उठकर तलवार क्यों नहीं उठाई और अपना हक हासिल क्यों नहीं किया, और इसका जवाब भी बहुत वाज़ेह है अगर बात को समझा जाए कि कोई भी नबी अपना कलमा पढ़वाने के लिए तलवार नहीं उठाता। अल्लाह का कलमा पढ़वाने के लिए तो तलवार उठाता है, वो भी कब, तवज्जो रखिएगा, बज़ोरे शमशीर कलमा नहीं पढ़वाया जाता, क्योंकि बज़ोरे शमशीर अगर कोई कलमा पढ़ भी दे तो वो कलमा मोतबर नहीं है, क्योंकि ईमान का ताल्लुक ज़बान से नहीं दिल से है। ईमान का ताल्लुक खालिस दिल से है और दिल सिर्फ अपने इख्तियार से झुकता है। ये दिल जो है ना, ये बहुत गौहरे नायाब है जो आपको आता हुआ है कुदरत की तरफ से। ये कल्ब, ये दिल है, अदबियात में कितने हजारों बल्कि लाखों अशआर में दिल की तारीफ की गई है कि दिल क्या है। तो जो दिल जो है बहुत बड़ा अतिया इलाही है और इसके पास जो इख्तियार है किसी के पास नहीं है। दिल सिर्फ अपने
کہ جب صاحبان ایمان پر ظلم ناقابل برداشت ہو جائے، جب صاحبان ایمان پر ظلم ناقابل برداشت ہو جائے اور سوائے شمشیر کے کوئی اور چارہ نہ رہ جائے، تب شمشیر اٹھاتے ہیں اللہ والے. بہت جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، یہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بہت خون بہا، اس کلمے کی خاطر بہت خون بہا، ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے خدا کے لیے بھی صرف کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار اٹھائی ہو، کوئی نہ کوئی اور سبب ہوگا اور چلے جائے کہ اپنے لیے کلمہ پڑھوائے. اس لیے میں عرض کر چکا ہوں بہت پہلے کہ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے تلوار اٹھائی، محمد رسول اللہ کے لیے نہیں تلوار اٹھائی. ایک موقع آ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ پہ بھی تلواریں کھنچ جاتی تو اس کو صلح سے بدل دیا. صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح حدیبیہ مشہور ہے کہ وہ بزد تھے مشرکین کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر اختلاف ہی کیا تھا، آپ کو روکتے کیوں، آپ کی مخالفت کیوں کرتے، ہم رسول نہیں مانتے، آپ مٹا دیجئے صلح نامے میں سے محمد رسول اللہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے لے کر وہ رسول اللہ کا کلمہ مٹا دیا مگر تلوار نہیں اٹھائی. تاریخ کی بالکل روشن حقیقت ہے، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو جب بھی کوئی نبی تلوار اٹھاتا ہے تو ہمیشہ خدا کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں. جیسے نبی نے ہمیشہ تلوار خدا کے لیے اٹھائی اپنے لیے نہیں، اسی طرح علی نے ہمیشہ تلوار اللہ اور رسول کے لیے اٹھائی اپنے لیے نہیں. کچھ بھی ہو گیا، ظلم، جبر، ستم، تعدی، لیکن آقا نے صرف اپنے اقتدار کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. حالانکہ اگر تلوار صرف اٹھا لیتے، خدا کی قسم دنیا گواہ ہے کہ اگر صرف قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیتے ایک بھی سامنے ٹھہرتا نہیں. کوہ احد پر نہیں، نہ جانے کس کوہ پر جا کے پناہ لیتے ہیں. تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو جو بھی احکامات دیے ہیں وہ احکامات دے دیے انہوں نے، اللہ نے انہیں حکم فرمایا اور اللہ نے احکامات بیان کر دیے. اب ان احکام کو ماننا اپنے اختیار سے انسان کا فریضہ ہے. انسان مان لے گا، تسلیم کر لے گا، اس کی سعادت مندی. انسان نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، وہ گناہگار ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا، یہ جو ہم بار بار ہم سب سارے خطبہ یہ سب جو حقیقتیں دہراتے رہتے ہیں کس لیے؟ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا دار امتحان ہے،
ये दुनिया दारे इम्तिहान है। कल जब वो खुद बनफ़ से नफीस मौजूद थे तो उनका वजूद वसीले इम्तिहान था, आज और कयामत तक उनका नाम और उनका जिक्र वसीले इम्तिहान। ये छोटा सा जुमला याद रखिएगा, कल आका अमीरुल मोमिनीन थे मौजूद तो उनकी शख्सियत वसीला इम्तिहान थी, हाल ही मौजूद हैं, तुम्हारा दिल चाहे उनकी बैत करो, दिल चाहे बैत ना करो, जो बैत करेगा सरफराज होगा, जो बैत नहीं करेगा समझ के बूझ के और फिर भी अगर हकीकत को कोई कबूल ना करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ये तो तारीख में भी जुमला मौजूद है, जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कातिल से आंखों में आंखें डाल के पूछा, क्या मैं तेरा बुरा अमीर था, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? कहा नहीं या अली नहीं। कहा फिर तूने ये गुस्ताखी क्यों की? उसके जुमलों में से एक जुमला ये भी है, सब ने नहीं नकल किया है लेकिन जिसने नकल किया है किया है, या अली जो खुद से जहन्नम इख्तियार कर ले आप उसे बजबर जन्नत में कैसे ले जा सकते हैं? ये एक एतराफ़, एक फर्द का एतराफ़ नहीं है, उस पूरी उम्मत का एतराफ़ है जो उसकी राह पर चल रही है। तो कल जब नफ्स नफीस उनका नूर मुबारक व मुकद्दस ज़ाहरी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद था तो वो वसीले इम्तिहान व आजमाइश था तमाम आलम बशरियत के लिए। और याद रखिएगा ये जुमला, आज और क़यामत तक अब सिर्फ उनका नाम नामी और ज़िक्र गिरामी वसीले आजमाइश है। वो सिर्फ ज़ाहरी बात नहीं, आप हज़रात खुश हो जाते हैं, लाखों करोड़ों बार आप सुन चुके हैं, हर शायर हर खतीब हर अदीब दोहराता है कि साहब नाम अली लीजिए तो चेहरे खिल उठते हैं, जिनके चेहरे खिल उठते हैं वो अपने हसब व नसब को रोशन कर देते हैं और जिनके चेहरे जो हैं वो मुरझा जाते हैं पता चल जाता है कि किसी शजरे खबीसा के समर हैं। तो ये सिर्फ खुश होने और नामो नसब तक बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाम लिया कोई चेहरा शादाब हो गया तो हम समझ गए कि ये मुहिब है, नहीं, पूरा दीन इसके साथ वाबस्ता है कि नाम अली जिक्र अली कलमे अली वलीउल्लाह ये क़याम क़यामत तक तमाम उम्मत के लिए और तमाम अफराद बशर के लिए एक वसीला आजमाइश है। तुम्हें इख्तियार है, पढ़ो जन्नत के रास्ते खुले में, तुम्हें इख्तियार है ना पढ़ो, तुम जानो और तुम्हारा अंजाम बजब्र नहीं हो सकता। यही सूरत हाल आका अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। कि उस वक्त आका की शख्सियत वसीले आजमाइश थी और आज और कयामत तक अब उनका नाम नामी वसीले आजमाइश है। कल वजूद हुसैन वसीले आजमाइश था, आज जिक्र हुसैन वसीले आजमाइश है। और जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम या किसी भी इमाम की इमामत और विलायत को कबूल करना ये फरीज़ा उम्मत का है, आवाम का है, उनके ऊपर ये फ़र्ज नहीं है कि बजबर अपना कलेमा पढ़वाएं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल ही गलत है कि हक उनका था तो तलवार लेकर
क्यों नहीं उठे? इस्लाम ने तो आपके हुकूक के लिए भी अखलाकियात ये मुरतब की है कि हुकूक देना सिखाया है, छीनना नहीं सिखाया। मजबूरी होती है जब कभी एक भूखा हो और देख रहा हो कि भाई ये सरमायादारों के पास तो बहुत कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, घर वाले सब भूखे हैं, वसाइल नहीं है और ये मांगने से दे नहीं रहे हैं, तो फिर छीनना पड़ता है, वो एक अलग मंजिल है। लेकिन और उसकी मजहब में कितनी इजाज़त है यह अलग बहस है, और सियासत में कितनी इजाज़त है ये अलग बहस है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि हुकूक देना सिखाया गया, हुकूक लेना नहीं सिखाया गया। इताअत उनका हक है, हमें ये हक देना है। अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम की इताअत उनका हक है हमारी गर्दन पर, तो हमें अदा करना है ना ये हक। उनकी बुजुर्गवारी इससे कहीं बुलंद व बाला है और बेनियाज है कि वो हमसे आके कहें तुम मेरी इताअत क्यों नहीं करते? चूंकि तुम इताअत नहीं करते इसलिए हम तुम्हें तहतीक करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह। खुद खुदावंद कुद्दूस ने ये रवैया नहीं अख्तियार किया। अल्लाह मालिक है, जमीन व आसमान का मालिक है। बहुत से मुसलमान हैं, बहुत से जवान हैं, बूढ़े हैं, खाली जवानों को क्यों कहा जाए? एक आदत हो गई है, जब कोई कमजोर बात हो तो जवान जवान जवान। बूढ़े नहीं गलतियां करते हैं, खूब करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, वाजिबात अदा नहीं करते। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला का सबसे बड़ा हक क्या है एक मर्द मुस्लिम पर? कम से कम सबसे बड़ा हक तो और कुछ ना करे तो नमाज तो पढ़े। ये हक है अल्लाह का। किसी से भी अल्लाह ने बजबर नमाज पढ़वाई है? भाई वो कादिर मुतलक है, वो ये कर सकता था कि अगर मैं सुबह की नमाज ना पढ़ूं जानबूझकर तो बस सांस रुक जाए। इसने नमाज नहीं पढ़ी, खत्म। कोई मुश्किल है? इसने रोजा नहीं रखा जानबूझ के बेहुरमती की, रमजान की मलकुल मौत, जाओ रूह कब्ज कर लो और शदीद तरीके से कब्ज करना ताकि खूब अजियत हो इसे। अल्लाह ये करता है? मिजाज समझ रहे हैं दीन का? ये जो लोग कहते हैं दीन में जबर है, दीन में जबर है, दीन किधर जबर है? जिसके पास वाकई इख्तियार है, इख्तदार है कि वो जब जिसकी चाहे रूह कब्ज कर ले। अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े, मालूम हुआ कि भाई नमाज पढ़ने की नीयत से नहीं सोए थे, ये सोच के सोए थे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो फिर अल्लाह ने ये किया कि फिर सोते ही रहो, उठना ही नसीब ना होगा तुम्हें? नहीं, आपको जिंदगी की नेमत हासिल है और सारी नेमतें हासिल हैं। तो जिस तरीके से अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी नमाज नहीं पढ़वाई बजबर, तो अल्लाह की तरफ से मुअय्यन जो खलीफा होगा वो अपना कलिमा कैसे पढ़वाएगा बजबर? ये हमें अपने जहन की, अपने कल्ब की, अपने नफ्स की तरबियत करनी है कि हम उनके मुतीए फरमान बन सकें और बने। है बहुत बड़ा मसला है हर एक के लिए, जो लोग नारे लगाते हैं उनके लिए भी, जो दरूद पढ़ते हैं उनके लिए भी, सब के लिए, कि हम इताअत करें, ज़हन आमादा हो जाए। अब तमाम अंबिया आए और चले गए और तमाम आइम्मा आए और चले गए,
आखिरी नबी खातमुल वसीयीन, खातमुल वसीयीन हजरत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम को हक सुबहानहु व तआला ने इसीलिए पर्दे गैब में रखा है कि जब जहन सबके आमादा हो जाएंगे या अक्सरियत के जहन आमादा हो जाएंगे तब वो जहूर फरमाएंगे। तो असल आमादगी हमें करनी है, जहनी आमादगी, अमली आमादगी। देखिए ये तब तस्करे जो हो रहे हैं वो सिर्फ वज़क्किर हुम बेअय्यामिल्लाह की रोशनी में हो रहे हैं, क्योंकि जो आयत करीमा मैंने तिलावत की थी, अक्सर ये होता है कि मैं आयत तिलावत करता हूँ और उसी आयत की रोशनी में बयान का सिलसिला जारी रहता है, बज़ाहिर तर्जमा भी नहीं करता, होता है उसी रोशनी में। चूँकि अय्यामुल्लाह ये तरकीब जो इस आयत में आई है, आप हजरात के हाफिज़ों में होगा, अभी 10 दिन पहले मैंने 2 दिन इसी आयत पे मजलिसें पढ़ी हैं इमाम बारगाह शाह शहीदा में। और गालिबन उसमें से एक मजलिस जो है वो शाम गरीबा के उन्वान पर भी नशर हुई इसी आयत पर, वलकद अरसलना मूसा बेआयातिना अन अखरिज कौमक मिन अज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह फरमाता है और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियां देकर, आयतें देकर के आप अपनी कौम को जुल्मतों से नूर की तरफ ले निकाल के ले। नकल किए थे कि अय्यामुल्लाह से मुराद वो अय्याम हैं, वो रोज़ व शब हैं जिसमें अल्लाह ने आसमान से मसलन किसी कौम पर अजाब नाजिल किया, और फिर वो रोज़ व शब हैं और वो अय्याम हैं जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला की नेमतें नाजिल हुई। एक कौल ये भी है मुफस्सरीन के नज़दीक मकाम तावील में कि अय्यामुल्लाह से मुराद दरअसल मासूमीन हैं, हुजज इलाहिया हैं, मुहम्मद और आल मुहम्मद अलैहिम सलातु वस्सलाम। तो ज़क्किर हुम बेअय्यामिल्लाह, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है किसे, जनाबे मूसा को, कि अपनी उम्मत को, अपने लोगों को याद दहानी कराएं अय्यामुल्लाह की, अल्लाह के अजाब से भी डराएं, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी भी सिखाएं, और उन शख्सियतों को, उन हस्तियों को भी मुतारफ कराएं कि जो हस्तियां अय्यामुल्लाह कहलाती हैं। अजीब मरहला सुखन है, देखिए कोई बहुत बड़ी इरफानी हकीकत को बयान करने के लिए भी उस मजमे के सामने जहाँ मखलूत मजमा हो, कुछ लोग आरिफाना ज़ौक रखते हैं, इरफानी किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं और अफाली बातें, कुछ लोगों को ये फुर्सत या सआदत नसीब नहीं है, तब उनके सामने हकीकत को वाज़ेह करना ज़ाहिर है कि बग़ैर किसी तमहीद के मुमकिन नहीं होता है। अय्याम की हकीकत बहुत अजीब व गरीब है। आप समझते हैं कि 24 घंटे का जो दिन है, और रफा की बहसें क्या हैं, ये जो दिन है 24 घंटे का, इसे आप एक यौम समझते हैं, बस यौम की और कितनी हकीकतें, लफ्ज़ यौम कहाँ कहाँ इतलाक हुआ है और लफ्ज़ लैल कहाँ कहाँ इतलाक हुआ है। सूरह मुबारक कद्र की तफसीर में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी मशहूर है, आपने फरमाया है कि ये लैलतुल कद्र को समझते हो कि इसकी हकीकत क्या है। आपके असहाब में से थे मगर उन्होंने कहा नहीं मौला, हम नहीं समझते, अल्लाह का रसूल समझता है, अल्लाह के रसूल के औसिया समझते हैं। कहा लैलतुल कद्र से मुराद दरअसल ज़ात गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा है। अब आम मुफस्सरीन को समझ में नहीं आएगी बात, ये उनकी मजबूरी है ना, लेकिन मासूमीन के मुहावरे को
समझने की कोशिश करनी चाहिए, खुदा के मुहावरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो लैल से मुराद अगर फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, तो जहन ये बात कबूल करने के लिए आमादा हो जाता है कि फिर यौम से मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और जब यौम को अय्याम जमा किया जाए तो फिर अय्यामुल्लाह से मुराद पैगंबर से लेकर अमीरुल मोमिनीन से लेकर इमाम हसन मुश्तबा से लेकर इमाम हुसैन शहीद करबला से लेकर इमाम हुज्जत अलैहिस्सलात वस्सलाम तक। ये है अय्यामुल्लाह, और इनकी शख्सियतों के बारे में इनकी आमद के ताल्लुक से याद दहानी कराने के लिए हुक्म दिया जा रहा है जनाब मूसा को, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, आप अपनी उम्मत को याद दहानी कराएं अय्याम इलाहिया की। हर सब्र करने वाले और हर शुक्र गुजार बंदे के लिए और निशानियां हैं। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब हमारे मबानी भी, एक मबानी मबना कहते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन को, मबानी जब हम कहते हैं, मबानी मबना की जमा है, मबना यानी फाउंडेशन, और जब इल्मी बहस में मबना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो यानी किसी भी थ्योरी, किसी भी हाइपोथेसिस, किसी भी यूनिवर्सल लॉ की जो बुनियाद है इल्मी मंतकी रियाजियाती, वो कहलाती है मबना। अरबी में जैसे फ़िक्ह में और उसूल में हमारे शरीयत के मबाहिस में एक शख्स ये फतवा देता है, वो फतवा देता है, कहते हैं फ़र्क क्यों हुआ, कहा मबना का फ़र्क है, फाउंडेशन में जो बात तस्लीम की गई उसमें फ़र्क है। तो जो हमारे मबानी से वाकिफ़ नहीं है उन्हें वाकिफ़ होना चाहिए कि किन तफसीरी मबानी पर हम अय्यामुल्लाह की तफसीर कर रहे हैं, कि अय्यामुल्लाह से मुराद अय्यामे अथार अलैहिस्सलाम है। अजाब एक हदीस नबवी भी है, ये फ़िक्रा अरबी में ज़रबुल मसल है तकरीबन अदबी सतह पर, और ये बाज़ रिवायतों से ये बात साबित होती है कि ये फ़िक्रा ज़बान मुबारक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर भी आया है। क्या है, फरमाए यबना आदम इन्नक अय्याम, और इस पे कोई एतराज नहीं करता है, अय फर्जंद आदम तू तो अय्याम है, यबना आदम इन्नक अय्याम, यहाँ कोई एतराज़ नहीं करता, कहते हैं ये मफहूम सही है, मज़मून सही है, हाँ पैगंबर ने फरमाया इसका माकूल मज़मून मफहूम मौजूद है। अच्छा आप यौम हैं, आप यौम हैं, आप यौम हैं, और अली को अगर हम यौमुल्लाह कहें अली तो हैं ही यौमुल्लाह, अगर हम और आप अय्याम हैं तो वो तो हैं ही अय्यामुल्लाह, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। अली फर्जंद तुराब नहीं, पदर तुराब हैं, तो ये अइम्मे अथार अलैहिस्सलाम अय्यामुल्लाह हैं। अब एक जुमला अर्ज करूं, अगर इन मबानी पर, इन उसूलों पर तफसीर कबूल की जाए तो बहुत वाज़े बात है कि अल्लाह जिन हस्तियों का जिक्र करने के लिए मूसा उलुल आज़म पैगंबर को हुक्म दे, उन हस्तियों का जिक्र करने के लिए हमें ये उम्मत मना करे,
अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इन हस्तियों का जिक्र करो और अपनी उम्मत को बताओ कि कौन कौन हस्तियां आने वाली हैं। और जब वो हस्तियां आ गई आने से पहले, और जब वो हस्तियां आ गईं और गुजर गईं, तो अब तो और हम पर लाजिम है कि उनका तज़किरा मुसलसल करें, मुदाम करें। सआदतमंद हैं वो हजरात कि जो इमाम बारगाहों में या मस्जिदों में या अपने घरों पर मजलिसें मुनक़िद करते हैं और मजलिसें ज़िक्र अहले बैत मुनक़िद करते हैं। ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में हाँ और बहुत सी बातें हो जाती हैं, फ़िक्ह भी है और शरीयत भी है और तारीख़ भी है, इरफान भी है, मंतिक भी है, फ़लसफ़ा भी सब है, लेकिन असल महवर ज़िक्र मुबारक अहले बैत है। एक सलावात पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले। बस एक पहलू की तरफ और इशारा करके और गुफ्तगू को मुख्तसर कर दूंगा। जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि यह इमाम अथार अपने अपने ज़माने में अपने वजूद के साथ वसीला इम्तिहान थे, वसीला हिदायत भी थे, वसीला इम्तिहान भी, सरचश्मे हिदायत भी थे और ज़रिया इम्तिहान भी, उसी तरह सरका। और अब उनका नाम और उनका ज़िक्र वसीले इम्तिहान है बाज़ के लिए और बाज़ के लिए सरचश्मे हिदायत है। वो आए और चले गए, पहले उनका वजूद था फिर उनका ज़िक्र है। आखिरी इमाम की शान ये कि पहले से ज़िक्र चल रहा है, बाद में वजूद हो जाएगा। अगर हम उनसे मानूस रहे ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, हमारे कान उनके ज़िक्र से मुसलसल मानूस रहे, तो जब भी वो तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए सरचश्मे हिदायत होंगे, वो और होंगे जिनके लिए वसीले इम्तिहान होंगे। खुदा आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और ज़हानतों में नूरानियत अता फरमाए। जब तक दिलों में और ज़हानतों में नूरानियत नहीं होगी, उस वक्त तक हम इन नूर के पैकरों से करीब नहीं हो सकते। इसलिए कि ये इनका वजूद भी नूर था और इनका ज़िक्र भी नूर है, ये ज़िक्र भी नूर है। हादी ज़ियारत मुबारक जामिया में भी ये फ़िक्रा आया है कि ज़िक्रुकुम नूर, कलामुकुम नूर। उनका कलाम भी नूर है और उनका ज़िक्र भी नूर है। यहाँ तक बात आ गई तो कलाम में आज मैं आपका सुना हुआ होगा, लेकिन आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कलाम जो वाकई सोने के हरफों से लिखे जाने के काबिल है, उसे अर्ज़ करता हूँ। फरमाते हैं, अन्नासो अबीदुद दुनिया, लोग तो बंदगाने दुनिया हैं। बस सुन के भुला ना दीजिएगा, मकाम इबरत है हर फर्द। अच्छा, आप हजरात के सुनने का भी क्या अंदाज़ होता है, आप हजरात ना कहूँ बाज़ लोग कह दो, बाज़ हजरात के सुनने का अंदाज़ ये होता है कि कुछ भी कहिए वो समझते हैं ये दूसरे के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, हालांकि वो ऐब खुद उनके अंदर भी मौजूद है, मगर वो दूसरों पर हमेशा महमूल करते हैं। यानी ये अजीब कैफियत है, इंसान अपने नफ्स से किस कदर गाफिल है। इस गफलत के साथ नजात मुश्किल हो जाएगी, ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन होगी, इस गफलत के साथ नजात मुश्किल हो जाएगी, इस गफलत के साथ शफाअत मुश्किल हो जाएगी। जब भी कोई बात कहिए तो दूसरों पर वो बात डाल दी जाती है, खुद गोया के माशाल्लाह, क्या है उर्दू का मुहावरा, दूध के धुले हैं,
हैं, खुद बिल्कुल पाक पाकीज़ा मासूम है माशाल्लाह, कोई खामी है ही नहीं। जब भी कोई बात, अब बात कहने के तरीके होते हैं, बात कहने के तरीके, जब भी कोई बात कहिए हमेशा उसका रुख दूसरे की तरफ होगा, ये एहसास नहीं होगा कि ये मुझी को कही गई है बात। तो हर शख्स दूसरे पे महमूल करता है। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ करता हूँ अपनी ज़ात को शामिल करके। अब जो मौला का कलाम है, हम सब उस पर गौर करें कि हम किस मीज़ान पर हैं। इमाम ने फरमाया है कि अन्नासु अबीदु दुनिया, लोग तो बंदगाने दुनिया हैं, दुनिया के बंदे हैं। वद्दीनु लअकुन अला अलसनतिहिम, और दीन उनकी जबानों पर चाशनी की तरह है। बस समझ रहे हैं आप, चाशनी यानी दीन जो है वो चटनी की तरह है, लज्जत के लिए, मज़े के लिए, महजूज होने के लिए। जैसे आप चाशनी का इस्तेमाल करते हैं, लोग ऐसे दीन का इस्तेमाल करते हैं। तज्जिया कीजिएगा। अन्नासु अबीदु दुनिया वद्दीनु लअकुन अला अलसनतिहिम यहूतूनहू हैथुमा दर्रत मआयशुहुम, जब तक उनका कारोबार चलता रहता है, रोज़ी रोटी का सिलसिला रहता है, जब तक हुन बरसता रहता है, जब तक दौलत बरसती रहती है, तो वो दीन से महजूज़ होते रहते हैं, दीन से महजूज़ होते रहते हैं। जैसे दुनिया में बहुत से शगफ़ हैं, उसमें एक शगफ़, कुछ थोड़े से दीनी शगफ़ भी हैं, महजूज़ होते हैं उससे। लेकिन वइज़ा मुहसू बिल बला क़ल्लत दयानून, जब उनकी आजमाइश की जाती है तो फिर दीनदार कम ही रह जाते हैं। यह कौल किसका? हमारे आपके इमाम अबू अब्दुल्लाह सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मैंने आज की मजलिस में कुछ भी ना पढ़ा होता और सिर्फ यही एक जुमला आका का सुना दिया होता, तब भी काफ़ी था। इसमें जो रोशनी है अपने नफ्स की इस्लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, अपने कुनबे की इस्लाह के लिए, कि हम कहाँ हैं, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि दीन को चाशनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कलाम भी नूर है, बहरहाल उनका वजूद भी नूर है, उनका कलाम भी नूर है। और बस अब बयान इस मंजिल तक पहुँच गया तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज 11 मुहर्रम है। आप महसूस करें अभी फ़ज़ा में किसी पाकीज़ा लहू की नखत है। अभी फ़ज़ा में अगर बेदार दिल है ना, तो आप महसूस करेंगे कि अभी फ़ज़ा में आका हुसैन के पाकीज़ा लहू की खुशबू फैली हुई है। जो पहली मुहर्रम से सिलसिला शुरू होता है बहुक्म परवरदिगार, अभी 11 मुहर्रम है। यानी 11 मुहर्रम से मुराद क्या है? अभी तो आका का लाशा रेगे घर में कलबरा पर पड़ा हुआ है। रोज़े आशूरा जो वक़ाए पेश आए, जो वाक़यात रुनुमा हुए, उसके बाद शाम गरीबा आई, बीवियों को क्या क्या इम्तिहान देना पड़ा है। बीवियाँ एक तो रोज़े आशूरा ही मक्तल में आई हैं, ये रिवायत मौजूद है, मुअर्रिखीन ने लिखा, जब आका हुसैन का सर कलम हो गया तो खैमे से तमाम बीवियाँ लाश के पास आ गई थी। ये 10 को आशूर के रोज़ और 11 मुहर्रम को बीबियां लाई गई थी। 10 मुहर्रम को खुद आई थी बेताबाना
और 11 मुहर्रम को लाई गई थी रसन बस्ता। फिर अर्ज करूंगा, लाखों बार करोड़ों बार आप सुन चुके हैं ये, लेकिन इस बयान में किस कदर अलम नाकी है कि 11 मुहर्रम को पेशारे साथ जोहर तक ठहरा है करबला में, और उसने अपने अपनी फौज के मकतूलीन को दफन किया, उन पे नमाज पढ़ी, उन्हें दफन किया, लेकिन फर्जंद रसूल का लाशा और अहले बैत मुस्तफ़ा का लाके लाशें और अस्हाब सैयद शुहदा के लाशें यूं ही पड़े रहे हैं। इसके बाद भी लोग ऐसे अफराद के ईमान व इस्लाम पे बहस करते हैं और इल्म रिजाल में इनसे हदीस कबूल करते हैं। अपने नजिस लाशें इन्होंने दफन किए, और वो जान तहारत, जान इस्मत, जान इमामत वो लाशा पड़ा रहा। और जब बीवियों को असीर किया गया तो आमदन मक्तल से ले जाया गया ताकि उन्हें और दिल पे सदमा लगे। बीबी जनाब ज़ैनब खुद बहुत बेताब हो रही थी जब पहुंची हैं, लेकिन एकदम से उनकी निगाह पड़ी जनाब सैयद सज्जाद पर तो देखा आपका चेहरा जर्द हो रहा है। अपना गम भूल गई, अपने को संभाला और कहा बेटा सैयद सज्जाद मैं क्या देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे बदन से रूह मुफारकत किया चाहती है। संभालो बेटा, तुम्हारे ज़रिए से इमामत का सिलसिला बाकी रहना है, तुम्हारे ज़रिए से नस्ल पैगंबर को बाकी रहना है। इसके जवाब में जो इमाम ने फरमाया है किस क़यामत का जुमला है, फूफी अम्मा आप ही इंसाफ फरमाएं, जवान बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा बेगोर और कफन पड़ा रह जाए। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। अब तफसीली यहाँ पे बाज़ रिवायतें हैं कि बीबी ने उस वक्त अपनी आँखों से आंसू पोछे, जनाब सैयद सज्जाद को कलेजे से लगाया, और वो हदीसें, वो बहुत सी बातें जो अमीरुल मोमिनीन से और बीबी जनाब सैयदा से उन्होंने सुनी थीं, हदीसें महफूज की थीं करबला के बारे में और करबला के बाद, वो सुनाई का बेटा अल्लाह एहतमाम करेगा, तुम्हारे बाबा का जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। बेटा तुम्हें मौका मिलेगा, तुम बाबा को दफन करोगे। और यही हुआ कि 12 मुहर्रम को बइजाज बतौर मुअज्जज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए करबला, और बनी असद जो हैरान हो रहे थे कि किस तरह दफन करें, इसलिए कि बनी असद जब सर कटे हुए हों तो किस तरह पहचाने कि कौन लाशा किसका। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बएजाज़ तशरीफ़ लाए और एक एक शहीद का तारुफ कराया, उसे दफन करने में मदद की। आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह दफन किया होगा कि आपकी पसलियां भी रेजा रेजा। टुकड़े टुकड़े बदन था, और सिर्फ उनका ही नहीं, आपने अपने बाबा इमाम हुसैन को दफन किया, हज़रत अली असगर को उनके सीने पे लेटा दिया, हज़रत अली अकबर को पाइने पा दफन किया, सबको तमाम शहदा को गंज शहीदा में दफन किया, और उसके बाद दरिया के किनारे बढ़े बनी असद के साथ। दरिया के किनारे जब पहुंचे तो देखा एक लाशा है टुकड़े टुकड़े होके, हालांकि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास
आपका कद व कामत इतना बुलंद व बाला था, अस पे दो रकाबा पे सवार होते थे तब भी आपके कदम ज़मीन पर खत देते जाते थे, लेकिन दुश्मनों ने इस तरीके से आपके जिस्म मुबारक के साथ बेअदबी की थी, टुकड़े टुकड़े कर दिया था जिस्म। आपने ये टुकड़े जमा किए और एक छोटी सी गहरी कब्र खोद कर उसमें सुपुर्द लहद किया और ज़ियारत पढ़ते हुए फिर वापस जाकर असीरों के काफिले में शामिल हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमें मुहावरात कुरानिया से आशना फरमा। परवरदिगार हमें बुतून कुरान और तावील कुरान से आशना फरमा। परवरदिगार इस ख़ज़ाने को तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए आम कर दे, मारिफत अहले बैत को आम कर दे। पालने वाले इस कुरे अर्ज़ पर जितने इंसान हैं सबको आका हुसैन से आशना कर दे। पालने वाले, आका हुसैन ने इस ज़मीन को अपने लहू से सींचा है, इस कुरे अर्ज़ को कुरे हुसैन इब्ने अली बना दे। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और आफत और अदालत का परचम लहरा दे। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर सैयद जवाद जाफरी की रूह को और इस कुनबे के तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात की रूहों को इसाल फरमाए। सैयद जवाद अहमद जाफरी, काफिला सालार चला हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने काफिला सालार चला दा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, हाय जलती है ज़मीं आग उगलती है ज़मीं, कोई साया भी नहीं, कोई साया भी नहीं, कोई साया भी नहीं, आबले पड़ गए पैरों में बदन तपने लगा, हाय बीमार चला। बुलंद आवाज से मिलकर नामे मौला सब सदा दे। बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला,
पैर क्या हाथों पे गर्दन पे पड़े हैं छाले, कोई पानी डाले कोई पानी डाले कोई पानी डाले। तपते हैं तो को सला सिल गए बहुत गर्म गवा, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। बेड़ियां पे गहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। कांटे चुभ जाते हैं चाले कभी छिल जाते हैं, हाय दुख पाते हैं हाय दुख पाते हैं हाय दुख पाते हैं। पाब रहना ये अजियत का सफर और ये जफा, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। आगा करते हैं तो दुर्रों की सजा पाते हैं, यूं तड़प जाते हैं यूं तड़प जाते हैं क्यों तड़प जाते हैं। हाय किस गाल में गए इब्ने शगे करबो बला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। टीस उठती है तो जख्मों से लहू बहता है, हर सितम सहता है हर सितम सहता है हर सितम सहता है। किससे फरियाद करे भाई न बाबा न चचा, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। देख कर बेटे की गालत को तड़प उठती है माँ, ये भी होता है गुमान ये भी होता है गुमान ये भी होता है गुमान। आना जाए कहीं भी मार को रस्ते में कजा, बीमार चला हाय बीमार चला। बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला हाय बीमार चला। सर को ले माए बहने ऐसे तमगारों में, हाय बाजारों में हाय बाजारों में हाय बाजारों में। सर झुकाए हुए रो ताहुआ खुदार चला, हाय बीमार चला
हाय बीमार चला। बेड़िया पैगने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला। काए किस गाल में गैसे ते पयंबर का पेसर, खाकुड़ाओ गोहर, खाकुड़ाओ गोहर, खाकुड़ाओ गोहर। पीट कर सीना ओ सर, बैन करो है गले अजा, बीमार चला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मुतवज्जह ज़ियारत, मुतवज्जह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबना अमीर अल मुमिनीन व अबना सैयद अल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सैयदत निसाए आलमीन, अस्सलामु अलैका या खदीजत अल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सायर शुहदाए करबला वासीरान कूफा व शाम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका मौलाया गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश्शमूस या अनीस अन्नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बे अर्ज़ तूस असुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसा अय्युहर रज़ा राज़ बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व जिस्मी लगल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका मौलाया साहिब अल असर व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनत ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग्यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या इनल हयात या सफीनतन नजात, अस्सलामु अलैका या सैयदी मौलाई अज्जलल्लाहु ताला फरजक وسخل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك واوانك جميعا ورحمة الله وبركاته।